चाहिए होती तब एक भी नहीं रुकती। इतना गुस्सा आ रहा है मुझे उस पे। पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेन लिखवाएंगे तब उस चीटर सत्यवान को पता चलेगा कि चीटिंग करने का परिणाम क्या होता है। साड़ियाँ तो हमने देख कर ली थी फिर भी डिफेक्टिव कैसे निकली? आपकी साड़ियाँ भी डिफेक्टिव निकली? सेल वाले ने हम लोग को भी डिफेक्टिव साड़ी दी बाबा। और जब हम साड़ी बदलने के लिए गए ना तो हमें जवाब ही नहीं दिया और ऊपर से कहा कि मिल लाओ। अरे मिल तो उसने ही हमें नहीं दिया था। बोलो। हाँ नहीं दिया। बिल तो हमें भी नहीं दिया। अब वो आपको साड़ी बदल के भी नहीं देगा। ऐसे कैसे नहीं मिलेगी? और वो सिसोटी वाली औरत के हाथों में धक्का मार के बाहर निकलवा दिया। सिसोटी औरत? अरे सिक्योरिटी वाली लेडी। और अब हम लोग पुलिस स्टेशन जा रहे हैं कंप्लेंट लिखाने। आप भी चलिए हमारे साथ। पुलिस स्टेशन? ना बाबा ना, हमको ये सब केस वेस के झमेले में नहीं पड़ना है। अरे केस करना हमारा फर्ज है। अब फर्ज निभाने के लिए हमें कोई टेंशन नहीं चाहिए। सॉरी पापा। ये टेंशन नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना है करके जो अन्याय बर्दाश्त करते हैं ना लोग, उसी में इन चीटरों की हिम्मत बढ़ जाती है और हमारे साथ फ्रॉड करते हैं वो। ओ कम ऑन, छोड़ो इन लोगों को, हम लोग तो अपना फर्ज निभाते हैं। हाँ चलो लेट्स मूव। एक मिनट आप लोग बैठिए, पहले बैठिए। क्या हुआ? क्या बैठ गए? एक मिनट, क्या हुआ क्या? इंस्पेक्टर साहब हमें फरियाद लिखवानी है। हाँ सर, और उसके बाद हमारे साथ चलिए प्लीज। हाँ चलिए हमारे साथ चलिए। हाँ चलो नाम चापर पर जरा लौट कर। क्या क्या हुआ क्या? अरे साहब हमारे साथ छितर पिंडी हुई है। छितर पिंडी? हाँ। मतलब हमारे साथ चीटिंग हुई है सर? हाँ, क्या चीटिंग क्या हुई? भाटियावाड़ी में साड़ियों का सेल लगा है, वहाँ से हम सब ने साड़ियाँ खरीदी। पर आधे से ऊपर साड़ियाँ डिफेक्टिव निकली। मैं बताती हूँ आपको। देखिए ये साड़ी है ना, ये देखिए ये है ना। अरे अरे ये क्या कर रही हैं आप? अरे इसको हटाइए, ये क्या सलूक हुआ? हटाइए। देखा आपने? ये देखो ये चूहे ने काट लिया है। और यहाँ देखिए ये ऐसा थोड़ी होता है। ये देखिए इंस्पेक्टर साहब, ऐसी साड़ियाँ दी है उन्होंने। हाँ मैक्सिमम साड़ियाँ डिफेक्टिव है। तो आपको चेक करके खरीदनी चाहिए ना। इंस्पेक्टर साहब हमने सारी साड़ियाँ चेक करके ही ली थी, पर घर जाकर देखा तब साड़ियाँ फटी हुई निकली। चालक निकलो वो तो वापस ले जाइए, बदल देंगे वो लोग। सर हम वहीं से आ रहे हैं, पर हमारे पास बिल ना होने की वजह से वो लोग साड़ियाँ ही नहीं बदल रहे हैं। सर। अरे बहन जी बिल की क्या जरूरत है? अगर आपको कोई तकलीफ हो तो यहाँ मेरे पास वापस आना, जबान की भी कोई कीमत होती है ना। असम अनाला घोटाला एक नंबर सा। और वापस गए तो हमारे साथ झगड़ा करके धक्का मार के हमें बाहर निकाल दिया। हाँ सर धक्का मारा हमको। इंस्पेक्टर साहब अब मानोगे नहीं, अगर हमारे अहमदाबाद में ऐसा हुआ होता ना तो हमारी पोल की सारी बहने उस सेल वाले को सारी बहनों के ऐसा सबक सिखाती, ऐसा सबक सिखाती कि याद रखता वो। आप भी चलिए ना हमारे साथ जल्दी प्लीज। देखिए हम लोग इस समय नहीं आ सकते क्योंकि शिवाजी पार्क में रैली है और सारी पुलिस फोर्स वहाँ लगी हुई है ड्यूटी पर। वो लोग आ जाए उसके बाद हम लोग आ जाएंगे। तो फिर वो लोग कब तक आएंगे? हाँ। वो तो नहीं बता सकते क्योंकि 2 घंटे भी लग सकते हैं, 5 घंटे भी लग सकते हैं। व्हाट? अरे देवा आता। पर सर आपको कुछ तो एक्शन लेना ही पड़ेगा। अरे हाँ आप लोग एक काम क्यों नहीं करते, आप लोग चले जाइए कंज्यूमर फोरम में, वो डिपार्टमेंट है ही इसी के लिए। वहाँ ग्राहकों को न्याय मिलता है और आपका काम भी जल्दी हो जाएगा। अरे हाँ इंस्पेक्टर साहब सही कह रहे हैं, ग्राहक के साथ कभी भी कोई अन्याय हो तो कंज्यूमर फोरम उनकी मदद जरूर करता है।
थैंक यू इंस्पेक्टर साहब, चलिए। थैंक यू सो मच। Yes, may I help you? सर हमारे साथ चीटिंग हुई है इसलिए हमें कंप्लेन लिखवानी है। गुड, वेरी गुड। अरे गुड़ का इतिहास? हाँ, कुछ समझ में नहीं आया। What do you mean by good? अरे हमारे साथ चीटिंग हुई है उसमें गुड क्या? I don't know. नहीं ऐसे नहीं, आपके साथ अन्याय हुआ और आप कंप्लेन लिखवाने यहाँ चली आई, इसके लिए वेरी गुड। सरकार जागो ग्राहक जागो का नारा लगाकर लोगों को जागरूक करने की कोशिश करती है और ज्यादातर लोग कंपनी या फिर दुकानदार के खिलाफ कंप्लेन लिखवाने की बजाय अपने नसीब को दोष देकर चुपचाप बैठ जाते हैं। कहिए क्या बात है? सर हम लोग को अच्छा एक मिनट, आप जरा शांति रखिए प्लीज। सॉरी सर। एक एक करके बताइए, बोलिए। हाँ। बात यह है सर कि भाटियावाड़ी में साड़ियों का सेल लगा है और हम सब वहाँ साड़ियाँ खरीदने गए थे, पर हुआ यूं दिखने में तो आप पढ़ी लिखी लगती हैं, फिर भी आप बिल लिए बगैर चली आई। अरे हम लोग इतनी ऐड देते हैं जागो ग्राहक जागो, कुछ खरीदने के बाद बिल लेना जरूरी है, फिर भी आप लोग। अब आपके पास जब बिल नहीं है तो विदाउट प्रूफ में आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ? मतलब आप हमारी मदद नहीं करोगे? मैंने ये नहीं कहा कि मैं आपकी मदद नहीं करूंगा। कस्टमर होकर आप अपना फर्ज भूल सकती हैं? हम नहीं। चलिए काम करता हूं, मैं आप लोगों के साथ चलता हूं, कोशिश करके देखता हूं। नमस्ते साहब। लेकिन आप लोग कौन है? मैंने पहचाना नहीं आपको। माय गॉड, ये आप हमें पहचानते भी नहीं है? पहली बार देख रहा हूँ तो पहचानूंगा कैसे है? हमें पहचानते नहीं हो? ए भाई, ये जो कटोरा है ना उसमें चॉकलेट के बदले बादाम रखो और पूरा दिन खाया करो, तब यद्य सच्ची हो जाएगी। क्या बोल रहे हैं आप, कुछ पता नहीं चल रहा है। आइए देखिए ना, बहुत सारी साड़ियाँ हैं, सेल है यहाँ पे, देखिए देखिए। सेल नहीं, अब आप जेल जाओगे, जेल। एक मिनट, देखिए भाई साहब, इन मैडमों ने कंप्लेन की है आपके खिलाफ। आपके यहाँ से इन्होंने जो साड़ियाँ खरीदी है उनमें से कई साड़ी डिफेक्टिव है। अच्छा लाइए, मैं आपको साड़ी बदल के देता हूँ, जरा बिल लाइए। अरे आपने बिल कहाँ दिया था? कमाल है, मैंने आपको बिल नहीं दिया। अरे बिल के बगैर तो मैं मारे नहीं बेचता। देखिए साहब, ये रही बिल बुक। ये तो डबल टोल दिया। साहब
मुझे लगता है ये औरतों की पूरी गैंग है। मुझे ब्लैकमेल करना चाहती है, लूटना चाहती है। हाँ अरे बाप रे, आप हमें पैसे लूटने वाले ब्लैकमेलर समझते हैं? ए बच्चन जी, नाम है सत्यवान और इतना झूठ बोलते हो, अगले जन्म में कौवा बनोगे, कौवा। क्या सर, आप इमीडिएटली इन पर एक्शन लीजिए। हाँ। और मेरे 9,500 वापस कीजिए। लोग यहाँ आए नहीं है। अरे आए थे हम लोग। साहब मुझे तो लगता है ये हमारे कॉम्पिटिटर की चाल है। वाह भाई वाह, अभी थोड़ी देर पहले आपने हमें पैसे लूटने वाले गैंग बताया था, राइट? और अब आपके कॉम्पिटिटर की चाल। वाह क्या बात है। मैडम 100 बात की एक बात, बिल है तो बात कीजिए, तो जाइए यहाँ से। बिल बिल बिल, आपने बिल दिया है हमें तो फिर सर आप एक काम कीजिए, ये हमारी साड़ियाँ देखिए और यहाँ पे आपको सेम साड़ियाँ मिलेंगी, आप चेक कीजिए प्लीज। अरे मुंबई में साड़ियों की हजारों दुकान है, एक जैसी साड़ियाँ हर दुकान में मिलेगी, समझे? इतना झूठ मत बोलो, मत बोलो इतना झूठ। सर प्लीज अरेस्ट हिम राइट नाउ। अरेस्ट कीजिए सर। मुझे गिरफ्तार करने की बात मत करना, मेरी दुकान में आके मेरी बेइज्जती करती हो, मैं मानहानि का दावा करूंगा आप पे। अरे वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। सर ये आदमी झूठ बोल रहा है, झूठा है ये इंसान। एक मिनट मेरी बात सुने, एक मिनट। देखिए आप सभी कहते हैं कि ये झूठे हैं और ये कहते हैं कि आप सभी झूठी हैं। अगर आप सच्चे भी हैं ना तो हमें कानून में रहकर सबूत के साथ काम करना पड़ेगा, समझी? आप इस वक्त चलिए मेरे साथ। आप मैडम बाहर चलिए, शांति रखिए और चलिए यहाँ से। चलो चलो निकलो यहाँ से, चलो। आप लोग शांति कुछ देखो, आप शांति रखे, पहले बाहर आइए। मैं समझ सकता हूँ आपकी प्रॉब्लम क्या है, आप मेरी बात तो सुनेंगे कि नहीं? ठीक है आप लोगों की बात, लेकिन एक मिनट मुझे बोलने, एक मिनट प्लीज, एक मिनट। देखिए आप लोगों ने बहुत बड़ी गलती की है बिल न लेकर। जब भी आप कोई भी चीज खरीदती है उसका पक्का बिल लेना बहुत जरूरी होता है, सेल वाले बड़े चालाक होते हैं। अगर आप लोगों के पास बिल होता तो मैं जरूर आप लोगों की कुछ मदद कर सकता था, बट इन दिस केस मुझे मेरे सीनियर से बात करनी पड़ेगी। मैं चलता हूँ। ओह नो, हम लोग तो बुरी तरह से फंस गए, हमारे पैसे गए समझो। नहीं नहीं कॉमन बॉबी, हमारे पैसे कोई हजम नहीं कर सकता। हमारे साथ हुए अन्याय के विरुद्ध न्याय पाने के लिए हमें अहमदाबादी आइडिया ही आजमाना पड़ेगा। दया भाभी जो भी आइडिया हो प्लीज जल्दी बता दीजिए, प्लीज जल्दी बोलिए। हाँ अरे ये आइडिया हमारे खानदान ने भी आजमाया है और मैं 100% विश्वास के साथ कहती हूँ कि जीत हमारी ही होगी। अच्छा हाँ दया भाभी आइडिया क्या है वो तो बताइए। हाँ हाँ, जब मेरी माँ मेरी उम्र की थी और सुंदर विराट टप्पू की उम्र का था तब वो टप्पू के जितना ही होशियार था और उसी लिए मेरी माँ ने स्कूल में उस सर का ट्यूशन नहीं रखा था और उसी वजह से सर ने सुंदर को एग्जाम में फेल कर दिया। तो
मेरी माँ ने कहा कि देखिए मेरा बेटा होशियार है, आप सुंदर को फेल नहीं कर सकते, आपको सुंदर को पास करना ही पड़ेगा। लेकिन हमारी बदनसीबी देखो, वो स्कूल का प्रिंसिपल सर के जीजा जी निकले और उन्होंने हमारी एक बात नहीं सुनी, और फिर मेरी माँ ने एक अहमदाबादी आइडिया अजमाया, तो वो लोगों को सच के सामने झुकना ही पड़ा और सुंदर को पास करना ही पड़ा। खुदाए दया बेन, पन वो आइडिया क्या है वो तो बोलो। नहीं भाभी, बताती हूँ। हाँ देखिए, बढ़िया दया भाभी, ग्रेट आइडिया। अच्छा आइडिया है मम्मी। रुक गया, हेलो गडा इलेक्ट्रॉनिक्स, नटुका का ईयर। हाँ नटुका का, मैं दया बोल रही हूँ। बोलिए सेठानी जी, क्या हुक्म है? नटुका का, आप जल्दी से भाटियावाड़ी हॉल के पास आ जाइए, और देखिए टप्पू के पापा को बिल्कुल पता नहीं लगना चाहिए। क्यों, क्या हुआ सेठानी जी? ठीक है सेठानी जी, मैं अभी पहुँचता हूँ। अब देखो मैं किसको फाट करती हूँ। अरे डैडी, जल्दी से आ जा। नया भाभी, ये तो आपने बहुत ही अच्छा किया। यस, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद। सुनिए सुनिए नारियों, जब तक ये साड़ी वाला हमारी साड़ी हमें बदल कर नहीं देता या फिर हमारे पैसे हमें वापस नहीं लौटाता, तब तक हम सब लोग यहाँ पर गरबा खेलेंगे। और जब हमारी जीत होगी तभी ये गरबा आंदोलन खत्म होगा। क्यों? हाँ हाँ हाँ। सेठानी जी, मैं ढोल लेकर आ गया। थैंक यू नटू काका। हाँ थैंक यू। अरे इसमें थैंक यू कहे का सेठानी जी, ये तो मेरा कर्तव्य है, मेरा महान धर्म है। आप सब मेरे महान भारत की महान आंदोलनकारी नारियां, जब अन्याय के खिलाफ उग्र आंदोलन छेड़ रही है, ऐसे स्वर्णिम अवसर पर ये नटू काका का भी आपको सैल्यूट। तो सेठानी जी, या होम करीने पड़ो फतेह से आगे। चलो कर अपनी दुकान। तेरी बंद हो दुकान बेईमान ढोंगिया, तेरी बंद हो दुकान बेईमान ढोंगिया, बेईमान ढोंगिया सत्यवान ढोंगिया, बेईमान ढोंगिया सत्यवान ढोंगिया। ओ तेरी Hey!
सर, सर वो औरतें गई नहीं है, वो तो बाहर आपके खिलाफ गरबा आंदोलन कर रही है। जब तक आप उनसे माफी मांगकर उनके पैसे वापस नहीं करते ना, वो गरबा खेलती ही रहेगी। खेलने दो, थक के सो जाएगी। जा तो अपना काम कर। हेलो हेलो पापा, जल्दी से कल तक चैनल देखो, मम्मी और सभी आंटी टीवी पर आ रही है। ये क्या कर रहे हो लोग? नटू काका उधर कब पहुंच गए? अरे मकान ला मुझे ले। जेठिया, ये सब क्या हो रहा है? क्या पता बाबूजी, ये दया बिना। ये सब बातें छोड़ और जल्दी से भाटियावाड़ी पहुंच, हम भी पहुंच रहे हैं। हाँ ठीक है बाबूजी, पहुंच रहा हूँ मैं। हेलो अमिता साहब, बोलो। अरे तुमने वो कल तक चैनल पे गरबा आंदोलन वाली न्यूज देखी या नहीं? अरे अबे देखी, क्या मुसीबत है ये। जेठालाल, असल में इस मुसीबत की जड़ मैं हूँ। अरे भाई, अंजलि का फोन आया था मेरे पास कि ये सब प्रॉब्लम हो गई है, तो मैंने कहा भाई तुम खुद समझ लो, अपने तरीके से कोई भी सबक सिखा दो। अब मुझे क्या मालूम था कि ये लोग ये तरीका अपनाएंगे और बात यहाँ तक पहुँच जाएगी। चलो अभी ये सब छोड़ो, उधर जाना तो पड़ेगा ना। आप पहुँचो, मैं भी इधर दुकान से पहुँचता हूँ। ठीक है, जल्दी पहुँचो, मैं भी पहुँचता हूँ। ओके ये सारी औरतें बिल्कुल सही कर रही हैं। पिछले साल मुझे भी सेल में ऐसे डिफेक्टिव साड़ी मिली थी। वेरी गुड, ऐसे दुकानदारों के साथ तो ऐसे ही होना चाहिए। पापा, अगर इन लेडीज की तरह सारे कस्टमर जाग जाए ना,
तो कस्टमर्स के साथ चीटिंग कोई नहीं कर सकता। सौरभ बेटा, सिर्फ ग्राहकों को कोई नहीं, इस देश के सारे नागरिकों को जागरूक होना चाहिए, तभी जाकर इस देश में राम राज्य आएगा। हाँ पापा। दर्शकों, जैसा कि आप देख सकते हैं, 1.5 घंटा बीत चुका है और ये गरबा आंदोलन अभी तक जारी है, जो कि इन महिलाओं ने किया है इस साड़ी के व्यापारी के खिलाफ। अब देखना ये है कि जीत किसकी होती है। आपके SMS हमें लगातार मिल रहे हैं, आप अपने SMS जारी रखिए और इन महिलाओं को सपोर्ट करते रहिए। हमें आपके SMS का इंतजार है, फोन उठाइए और मैसेज भेजते रहिए। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए कल तक पर, और मैं भी यहाँ पर तब तक बनी रहूंगी जब तक ये गरबा आंदोलन जारी है। ओ काके, मैंनु लग रहा है तेल का काम करना पड़ेगा, इनु खोल के देख। ओए रब्बा, ओहो, और सत श्री अकाल जी, सरनजीत कौर भरजाई जी, की हाल है पंजाब में सबका? की गल कर रहे हो? ओ रोशन और गोकुल नाम की बाकी औरतें गरबा आंदोलन करिए भाटिया वाली में? ओ जी नहीं, मैनू तो नहीं पता, मैं पता करता हूँ जी। कमाल है यार, गरबा आंदोलन, दोनों फोन करता हूँ। चलो, पता नहीं वहां पे क्या हंगामा हो गया होगा। एक मिनट, बोल सोड़ी। अब पिडू, तूने सुना ये गरबा आंदोलन अपनी औरतें कर रही हैं? हाँ पता चला भाई, मैं, बच्चे और चाची जी, हम लोग वहीं जा रहे हैं। तो यार तुम लोग एक काम करो, सोसाइटी के नाके पे मेरे को मिलो, मैं वहीं से तुम लोगों को पिक कर लेता हूँ। हाँ ठीक है ठीक है, चाचा जी सोड़ी का फोन था, बोल रहा था कि अपने को नाके से पिकअप कर लेगा। ठीक है, चलो चलो। अरे आज क्या प्रॉब्लम क्या है, आधा घंटा हो गया एक रिक्शा नहीं मिल रही है। मेरी बीवी भी टीवी जैसी है, इसमें कब कौन सी चैनल चालू हो जाती है कुछ पता नहीं चलता। रिक्शा रिक्शा, अरे भाई क्या मुसीबत है, अभी तक पता नहीं हो दया ने उधर क्या रमखान मचा दिया होगा। रिक्शा रिक्शा, तो हंस क्या बुला रहा था, मैं नहीं रुक रहा है। रिक्शा रिक्शा रिक्शा, भाटियावाड़ी भाटियावाड़ी तो मिले पार्ले में साहब। वो मुझे पता है, मैं तुमको पता नहीं पूछ रहा हूँ, मुझे जाना है भाटियावाड़ी। चलो। नहीं जाने का साहब। क्यों, सुबह जाके आए साहब? तो क्या डॉक्टर ने बोला दिन में एक ही बार जाने का भाटियावाड़ी? नहीं जा सकता साहब। तो किधर जाएगा, लंदन? लंदन तो भी साहब को नहीं जा सकता है, वहाँ ज्वालामुखी फटा है ना, तो सब फ्लाइट बंद है। अभी मेरे को घर जाने का, तो जा घर निकल, लौट जायो नहीं तो चांप लो, लंदन में ज्वालामुखी फटा है, इधर मेरी जिंदगी में ज्वालामुखी फटा है, उधर भाटियावाड़ी में। Don't give up. मुझे लगता है जब तक इन्हें न्याय नहीं मिलेगा ये आंदोलन जारी रखेंगे। देखते रहना। क्या मुसीबत है, एक रिक्शा नहीं आ रही है। अब काम करता हूँ, इसको ही रोक लेता हूँ भाई अभी। रिक्शा रिक्शा, ए भाई अरे का है क्या? अरे भाई मुझे भाटियावाड़ी अर्जेंट पहुंचना है, उधर नहीं पहुंचूंगा तो मर जाऊंगा। भाई साहब देखिए, आधा घंटे से मैं रिक्शा ढूंढ रहा हूँ, नहीं मिल रहा, अर्जेंट है। मैं हाथ जोड़ते हैं, आपको विनती करता हूँ, आप ये रिक्शा मुझे दे दीजिए, एक मिनट आपका भाड़ा मैं दे देता हूँ। ठीक है, कितना हुआ? 20 रुपये। आप प्लीज ये लो भाई, ये लो। थैंक यू भाई साहब। थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए था। क्यों? क्योंकि मुझे यहीं तो उतरना था। चल भाई चल, भाटियावाड़ी नहीं जाएगा। ए भाई क्या नहीं जा सकता, तुम लोग ऐसा ना नहीं बोल सकते, RTO में कंप्लेंट करो क्या? अरे साहब गैस खाली हो गया है, गैस भराने के लिए जा रहा हूँ। गैस को तुम्हारे आज ही खाली होना था, जा भरा। गैस खाली हो रहा है, उसको दबाओ और ऐसा चालू करो। एक रिक्शा नहीं मिल रही है आज क्या? अरे वाह, नहीं आ रही थी तो एक भी नहीं आ रही थी, अभी दो आ रही है। दोनों को रख लेता हूँ, एक ने ना बोला तो दूसरा तो आएगा।
रिक्शा रिक्शा रोको 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 भाटियावाड़ी जी बैठिए। अरे वाह, ये तो दोनों ने वहां बोला, लेकिन ये चाचा लगता है बहुत धीरे धीरे चलाएंगे। इससे अच्छा मैं इसमें बैठता हूँ, यह नौजवान मुझे फटाफट पहुंचा देगा। चाचा मैं इसमें जाता हूँ, आप निकलो। ठीक, थैंक यू। हाँ चलो भाई साहब, भाटियावाड़ी। अरे भाई तुम क्यों उतर गए? अरे साहब कांच पर मिट्टी लगी है, तनिक साफ कर दे तभी तो साफ दिखाई देगा ना। अरे भाई किधर है मिट्टी भाई, चलने दिखता रहा, चलो चलो चलो। क्या बात है साहब, बड़े जल्दी में लग रहे हो, कोनो टेंशन वाली बात है का? अरे भाई बहुत टेंशन की बात है, तू मुझे जल्दी भाटियावाड़ी उतार, तुम्हारा टेंशन कम होगा। चल चलो चलो चल भाई, चल 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 जल्दी चल। साहब एक मिनट फोन आके साहब। हाँ हेलो, हाँ अम्मा जय राम जी की। का तनिक जोर से बोलो, का हमारा रिश्ता तय हो गया सच्ची? एक अम्मा एक मिनट, एक मिनट साहब, हाँ नीचे आओ ना साहब, हाँ नीचे आओ ना, आप बाहर आइए ना साहब। क्या हुआ लेकिन? अरे साहब, अरे अरे क्या कर रहे हो? अरे साहब आप हमारे लिए बहुत लकी हैं, आपके बैठते हमारे गांव से हमारे रिश्ते का फोन आ गया। अरे मुबारक हो भाई, मुबारक हो, चल चल। अरे अम्मा हमारी होने वाली लुगाई का नाम तो बता का है। ए भगवान, इससे अच्छा उस चाचा के साथ गया होता तो अब तक पहुंच भी गया होता। अरे का तेरे लुंगाई का नाम बसंती है, बस मैं बता देता हूँ भाई, चलना बैठना भाई। अरे साहब अम्मा 5 साल से लड़की ढूंढ रही थी तो अब जाके कहीं मिली। साहब हमारे जीवन के रिश्ते की बात है तो साहब तो बात कर लूं? भाई तू मुझे एक बार भाटियावाड़ी छोड़ दे, फिर जीवन भर तो बात करते रहना। सब दो मिनट। हेलो अम्मा, हम आपको 10 मिनट बाद फोन करते हैं ना। हाँ अम्मा फोन रखो, फोन रखो। हाँ हाँ आप बैठिए, आप मैं बैठ, तू बैठ भाई पहले, मेरा बैठने से क्या होगा। चालू कर, चालू कर जल्दी, चल। क्या हुआ? अब तक तो चल रही थी, पता नहीं क्या होगा, स्टार्ट नहीं हो रही है। अभी तो तेरा सिर्फ रिश्ता तय हुआ है, उसमें तेरी रिक्शा बंद पड़ गई, शादी कर तेरी जिंदगी बंद पड़ जाएगी। क्या मुसीबत है। रिक्शा रिक्शा रोको रोको रोको, भाटियावाड़ी चलो 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 चलो। अगर साड़ियाँ डिफेक्टिव निकली तो हमें बताना चाहिए ना, ये गरबा आंदोलन शुरू करने की क्या जरूरत थी? अरे भाई जो हुआ सो हुआ, लेकिन ये सोड़ी अब तक क्यों नहीं आया? भिड़े को सोड़े अंकल आ गए। अरे ये बाबा लौक करिए। अरे इतनी देर लगती है आने में, की कह रहे हो चाचा जी? अरे इतनी देर लगती है आने में। ओ चाचा जी सॉरी, अभी जल्दी चलो वहाँ पहुँचना है। चलो भिड़े, ये तो बताइए गरबा आंदोलन क्या यार? अरे भाई तू जीप स्टार्ट कर रास्ते में बता था, चल 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 चल। अरे भाई चाचा जी जरा अंदर हो जाइए ना। अच्छा बैठना है, बैठना है। हाँ चलो चलो चलो, ये आई आई आप भी बैठे तो यार। हाँ हाँ सर, बाहर भीड़ बढ़ती जा रही है और टीवी पर जगह जगह गरबा आंदोलन का लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। अच्छा ठीक है। लगता है पुलिस को ही बुलाना पड़ेगा। हेलो जो पुलिस स्टेशन। सर मैं मालविया रोड पे वो भाटियावाड़ी है ना वहां से बोल रहा हूँ, मेरा यहाँ साड़ियों का सेल लगा हुआ है। अच्छा, कुछ औरतें आई थी आपके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने कि आपने उनके साथ चीटिंग की है। क्या? अरे झूठ बोल रही सब औरत। अरे साहब वो मेरे कॉम्पिटिटर ने भेजा है उनको। अरे कब से परेशान कर रखा है उसने, बाहर वो लोग ने गरबा आंदोलन शुरू कर दिया है, रोड पे पूरा ट्रैफिक जाम करके रखा है। अरे साहब जरा जल्दी आइए, नहीं ट्रैफिक बहुत जाम होगा इधर। वो ठीक है, लेकिन इस समय शिवाजी पार्क के पास एक रैली चल रही है, सारी पुलिस फोर्स वहाँ बंदोबस्त में लगी है, वहाँ से फ्री हो जाने के बाद हम लोग आ जाएंगे। थैंक यू सर। अब फंसेंगे ये लोग।
होती है। इस साड़ी वाले को अपनी गलती माननी होगी और हमारी साड़ियाँ एक्सचेंज करके देनी होगी। अंजलि भाभी आप बताइए आप दर्शकों को क्या कहेंगी? रीता पहले तो ये बात सब समझ लीजिए कि ये गरबा आंदोलन सिर्फ हमारे मुआवजे के लिए और हमारे डिफेक्टिव साड़ियों के लिए नहीं है, पर ये गरबा आंदोलन सारे जागरूक नागरिकों का प्रतीक बन चुका है, समझे? थैंक यू। बबीता जी आप कुछ कहेंगे? अगर आप कोई चीज खरीदते हो तो आप ये ध्यान रखें कि आपके साथ भी ये बेईमानी ना हो। माधवी भाभी आप कुछ कहेंगे? ये हमारा गरबा आंदोलन कस्टमर वालों के साथ चीटिंग करने वालों के लिए एक संदेश है, एक चेतावनी है। दर्शकों इनका रोष देखिए। आप मिसेस आदि कुछ कहना चाहेंगे? हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि जागो का हक जागो। आप सोइए मत, जागिए 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 और अपने सपोर्ट में हमें SMS करते रहिए ताकि इन लोगों का गरबा आंदोलन और इनका जोश बरकरार रहे। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कल तक। मैं हूं रीटा रिपोर्टर। हेलो जोहू पुलिस स्टेशन। इंस्पेक्टर मिनिस्टर साहब आपसे बात करना चाहते हैं। यस सर, यस सर। एक मिनट। हाँ इंस्पेक्टर। यस सर। अरे मालवीय रोड पर ऐसे लोग के जमा हुए हैं और ये ट्रैफिक जैम करके गरबा आंदोलन करने वाली औरतें कौन है? हम यहाँ संसद में औरतों को आरक्षण देने की बातें कर रहे हैं और वहाँ औरतों के साथ अन्याय हो रहा है। सच क्या है पता लगाओ। सर वो औरतें साड़ी वाले के खिलाफ कंप्लेन लिखवाने आई थी। हाँ। लेकिन उनके पास बिल नहीं था सर। तुम अभी के अभी भाटियावाड़ी पहुँचो और वहाँ मामला शांत करो, जरूरत पड़े तो गिरफ्तारी करो। यस सर। पर कानून व्यवस्था बिगड़ने मत देना, समझे? फौरन जाओ। यस सर, यस सर, यस सर। चले कदम, अरे निकाल, जल्दी चल। हाँ बोल सुंदर। हेलो माय डियर जीजा जी, ये टीवी पे रीटा रिपोर्टर क्या दिखा रही है? तेरे टीवी में आवाज उड़ के आ गया, दिखाई नहीं दे रहा? अरे तेरी बहन उधर गरबा आंदोलन कर रही है। जीजा जी इसमें सब प्रॉब्लम आपकी याददाश्त का है। क्या बोल रहा है, कुछ समझ में ऐसा बोल। शादी के वक्त सात फेरे लेते हुए आपने बेना को क्या कहा था? कि हर पल हर सुख दुख में मैं तेरे साथ रहूंगा, तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। और जब ये गरबा आंदोलन चल रहा है तो आपने बेना का साथ क्यों छोड़ा? अरे भाई तेरी बहन कब क्या करेगी वो तो उसकी कुंडली लिखने वाला विधाता भी नहीं जान सकता, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि वो उधर गरबा आंदोलन करने वाली है? अरे गरबा आंदोलन करके मेरी बहना ने बहुत सही किया है। अन्याय के सामने आवाज उठाना चाहिए, अन्याय के सामने लड़ना चाहिए। अरे मेरी माँ का आशीर्वाद मेरी बहना के साथ है, ये पूरा जमकुड़ी महिला मंडल मेरी बहना के साथ है। मैं अपनी बहना के साथ हूँ। अरे पूरा अहमदाबाद मेरी बहना के साथ है। अरे मेरी बहना ने जो किया है बहुत अच्छा किया है। पर मैं आपको पूछता हूँ कि मेरी बहना को ये आंदोलन करना क्यों पड़ा? अरे भाई मैंने तेरी बहन का मना किया था कि सेल से साड़ी मत खरीद, लेकिन नहीं उसको शौक है साड़ी खरीदने का। तो क्या मेरी बहन साड़ी का भी शौक ना रखे है? तो जीजा जी आप एक काम करो है, हर हफ्ते आप मेरी बहना को एक नई साड़ी दिलाते रहो तो मेरी बहना का साड़ी का शौक छूट जाएगा। अरे जीजा जी आपको भी एक शौक है ना जलेबी फाफड़ा खाने का, हर संडे के संडे जलेबी फाफड़ा खाते हो, तो क्या वो शौक आपने छोड़ दिया? अरे भाई तो मेन बात क्या, चल हो गई सब बात, ये फोन रख मुझे भाटियावाड़ी पहुंचना है। जीजा जी आप मेरी बात सुनो, मैं अगली फ्लाइट पकड़ के मुंबई आ रहा हूँ। भाई तुझे अगली पिछली किसी फ्लाइट से मुंबई आने की जरूरत नहीं है, एक मुसीबत है दूसरी मुसीबत की जरूरत नहीं है इधर। क्या कहा? मतलब भाई तू इधर पहुंचेगा तब तक ये गरबा आंदोलन खत्म हो गया होगा, इससे तेरी आने की जरूरत नहीं है। चलो अभी फोन रख मुझे पहुंचना है, लेट हो रहा है। चलो भाई जरा जल्दी चलो भाई। आपको क्या लगता है इस गरबा आंदोलन में जीत किसकी होगी, इनकी या फिर इस दुकानदार की? हाँ हाँ जीत इनकी होगी, हार तो दुकान वाले की होगी। धन्यवाद। बताइए क्या आप अन्याय के खिलाफ हो रहे इस
गरमा आंदोलन में इन औरतों को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर तब तक खड़ी रहेंगी कि जब तक इनको न्याय नहीं मिल जाता। हाँ हाँ, हम लोग उनको पूरा सपोर्ट करेंगे। अच्छा नहीं लग रहा है दया, ये लोग लाइव दिखा रहे हैं टीवी पे, ये रिटाड़ी पूरी दुनिया देख रही है। देख, तुझे न्याय मैं लेके दूंगा भाई। नहीं, टप्पू के पापा, ये हमारी लड़ाई है और हम ही लड़ेंगे। हाँ जेठा जी, हम औरतें हमारा हक लेकर ही रहेंगे। अरे नट्टू काका, अरे नट्टू काका, ये क्या दुकान छोड़ गए थे, ढोल बजा रहे आप। अरे सेठ जी, मैं क्या करता, अचानक दुकान में सेठानी जी का फोन आया कि नट्टू काका अभी का अभी ढोल लेके आ जाइए, तो मुझे उनका हुक्म मानना पड़ा। अभी यह सेठ हुक्म दे रहा है, यह ढोल अभी का भी बंद करो। ढोल बंद नहीं हो सकता। क्यों? सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के आगे हाई कोर्ट का खुद नहीं चलता। सॉरी नट्टू काका। प्लीज सर, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, लेट मी प्ले ढोल। अंजलि, अंजलि, ये क्या हो रहा है? गरबा। अरे वो तो मुझे भी दिख रहा है, पर ऐसे सड़क पे गरबा। अच्छा जी, जब मैंने फोन किया था तब तो कहा था आपके पास टाइम नहीं है, और अब आए हो। कहा था अंजलि अपना तरीका खुद ढूंढो, तुम इंडिपेंडेंट हो। अरे पर ये कैसा तरीका हुआ भाई? कुछ भी हो जाए, ये आंदोलन अब नहीं रुकेगा। अरे मान जाओ ना प्लीज अंजलि। काय चाललंय ए माधवी? अरे माधवी, माधवी मेरी बात सुनो माधवी। अरे ये काय चल रही है, कौन सा तरीका आंदोलन करने का तुम्हारा? तुम्हें बात सुनो, मुझे गरबा करने दो। अरे ये गरबा करने से क्या होने वाला है? देखो हम लोग अंदर जाके बात करते हैं ना उनसे। उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, हमें ये आंदोलन करने दो। अरे लेकिन ये ऐसे तालियां बजाने से थोड़ी ना आंदोलन होता है। अरे ऐको तो सही माधव। रोशन मेरी जान, ये क्या गरबा आंदोलन कर रही है तू? एक बार मुझे फोन तो किया था। रोशन, मैं अगर तुझे फोन करती तो तू अभी जेल में होता। मैं क्यों जेल में होता यार? क्योंकि तू इधर पे आता, इधर आके मारा मारी करता और फिर तुझे पुलिस जेल पे ले जाती। और पुलिस मुझे बाद में जेल लेके जाती, पहले ये जो दुकानदार है ना हॉस्पिटल पहुंच जाता। हाँ बाबू जी, ये दया मेरी बात नहीं मान रही, अभी आप ही समझाइए इसे। बहू ये क्या कर रही हो? बापू जी, आप भी हमेशा कहते हो ना कि सच के लिए जान की बाजी लगा दो, तो आज मैं सिर्फ पाँव की बाजी लगा रही हूँ। क्या मैं कुछ गलत कर रही हूँ बापू जी? अरे बहू, पाँव बाजी ठीक है, लेकिन तेरे पाँव में छोले पड़ जाएंगे, छाले पड़ जाएंगे। अरे भले छाले पड़ जाए बापू जी, आज आप भी हमें साथ दीजिए और आशीर्वाद दे के हमारे हौसले बढ़ाइए बापू जी। ठीक है, थैंक यू बापू जी। विजय बाबा, मेहता साहब अभी क्या करे इसका? ये पता नहीं यार, इन औरतों का जोश देख के तो लग रहा है कि ये रुकने वाली नहीं है। इनको रोकना तो भ्रष्टाचार रोकने जैसा नामुमकिन है। अरे सेल वाले से चल के बात करते हैं यार। अरे मेहता साहब, मैंने पता कि उससे बात कैसे करनी है, देखो अभी। अरे थोड़ी थोड़ी, अरे पूरी पिक्चर। ओ, अब तक ही पुलिस क्यों नहीं आई? मैं रीटा रिपोर्टर कल तक से। देखिए दर्शकों, ये है वो व्यापारी जिन पर गोकुलधाम सोसाइटी की सभी महिलाओं ने ये आरोप लगाया है कि इन्होंने उन्हें डिफेक्टिव साड़ियां दी। जी हाँ, डिफेक्टिव साड़ियां देने के अलावा इन्होंने अब उन साड़ियों को बदलने से इनकार कर दिया है और ना ही उनके पैसे वापस लौटाने को ये तैयार है। मम्मी, मम्मी, क्या हुआ बेटा? तो आइए इनसे जानते हैं कि इनका इस बारे में क्या कहना है, बोलिए। मम्मी देखो, पापा टीवी पर आ रहे हैं। मैं एक ईमानदार व्यापारी हूँ, बाहर ये जो गरबा आंदोलन चल रहा है ना, वो सारी की सारी महिलाएं मुझे फंसाना चाहती है, मुझे ब्लैकमेल करके मेरे पास से पैसे निकलवाना चाहती है। मम्मी ये झूठ है, मेरे पापा ऐसा नहीं कर सकते। मेरे कॉम्पिटिटरों से मिली हुई है वो लोग। मम्मी प्लीज मुझे जल्दी पापा के पास ले चलो। चल चल, मुझसे पैसे निकलवाना चाहती है, बोलो। ओए तेरी तो, सॉरी
अरे गोकुल धाम की भोली भाली औरतों पर ब्लैकमेल का इल्जाम लगाता। अरे देखो लाइव देखो आप लोग, ये महिलाओं के मर्द देखो कैसे खुले आम गुंडागर्दी करती, देखो। अरे अरे छोड़ो। अरे ओए, ये गुंडागर्दी नहीं है, तुम्हारी धोखाधड़ी के खिलाफ गुस्सा ही हमारा। और नहीं तो क्या, हमारी बीवियों के साड़ी के पैसे वापस दो और चुपचाप माफी मांगो। 1000 रुपए फटाफट। काय के पैसे, काय की माफी मांगो है? वो लोग ने साड़ी यहाँ से खरीदी नहीं है, समझे ना? ओए तू ऐसे मानेगा नहीं, तेरा तो हुलिया भी टाइट टाइट कर के रहूंगा। मार 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 सोरी मार। सोरी समझने की कोशिश कर सोरी, कैमरा चालू है, लाइव चल रहा है हमारा न्यूज सोरी, हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, हम पे मारा मारी का केस हो जाएगा पुलिस के, समझ यार तू? अरे क्या मेहता साहब, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अरे मार सोरी मार। अरे क्या मार, अरे सोरी समझ। अरे क्या मार, उधर कैमरा चालू है, सब रिकॉर्ड हो जाएगा। नहीं 1000 रुपए गए मेरे। नमस्ते जूनियर, सॉरी सॉरी, चल कैमरा छोड़ दे, सॉरी 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 छोड़। अरे लेकिन मेरे 10000 रुपए। दर्शकों को देखा आप लोगों ने कि किस तरह से गोकुलधाम सोसाइटी के निवासी अपनी हार मानने को तैयार नहीं है और ये व्यापारी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। तो आइए अब बाहर चलते हैं और देखते हैं कि गोकुलधाम सोसाइटी की औरतों का गरबा क्या रंग लेकर आया है। चलिए। तुझे सच्चा सबक अब सिखाएंगे हम, तुझे सच्चा सबक अब सिखाएंगे हम, क्या है सच्चाई सबको बताएंगे हम, क्या है सच्चाई सबको बताएंगे हम। तू कान 100 बार पकड़ेगा ढोंगिया, तू कान 100 बार पकड़ेगा ढोंगिया, और तेरी तेरी मिट्टी में मिल जाए शाम ढोंगिया। साहब ये आदमी तो बड़ा ही निर्लज्ज निकला। सही कह रहे हो भिड़े, और इसकी बेशर्मी को देखते हुए तो लग रहा है कि हमारी बीवियां जो ये कर रही है बिल्कुल ठीक कर रही है। और मैं तो कहता हूँ मेहता साहब, अब हम सबको मिलके ना अपनी अपनी बीवी को सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा छोड़ी तुमने। आइए मेहता साहब, हम अपने अपने बीवियों के साथ गरबा खेल के उनका साथ दे। दादाजी मैं अभी अंदर जाकर उस दुकान वालों को सबक सिखाता हूँ। नहीं टपुड़ा, ये लड़ाई हमें हिंसा से नहीं अहिंसा से जीतनी है। परेशान कर रखा है इन्होंने हमको, ये साड़ी वाले को पकड़ लीजिए। तमाशा कर रहे हैं कब से दुकान के बाहर। नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद। आइए आइए पुलिस साहब, ये साड़ी वाले को गिरफ्तार कर लीजिए। हाँ गिरफ्तार तो करेंगे ही, कानून जो तोड़ा है। बिल्कुल, और कानून तोड़ने वाले को हमेशा सजा मिलनी चाहिए। गिरफ्तार ये नहीं आप सब होंगे। चलो बड़ा गाड़ी में। अरे 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 का कुछ भी क्या बोल रहे हैं आप लोग? अरे एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, चीटिंग हमने उनके साथ नहीं, उन्होंने हमारे साथ की है। हाँ इंस्पेक्टर साहब, आप हमें क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं? हमने क्या किया? आप इस आदमी को पकड़िए। आपके पास इनके खिलाफ ना कोई बिल है ना सबूत। और कानून सिर्फ सबूत देखता है, अंडरस्टैंड?
सार्वजनिक स्थान पर इस तरह से धरना प्रदर्शन करना ये कानूनन अपराध है, यह आपको शायद नहीं पता है। भाई हम तो सत्याग्रह कर रहे थे भाई। इन्होंने आपके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है कि आपने यहाँ गुंडागर्दी की, इनको डराया और धमकाया है। चलो बैठो गाड़ी में। बाबूजी कुछ बोल रहे हैं। हाँ बाबूजी बोलो। ए भाई ए, पुलिस गुनेगार को सजा देने के लिए होती है और तुम हम निर्दोष लोगों को गिरफ्तार कर रहे हो। कौन निर्दोष है और कौन गुनेगार, इसका फैसला अदालत करेगी। हम सिर्फ सबूत को देखते हैं। चलो चलो बैठो। चलो बैठो गाड़ी में। हम मासूम हैं पुलिस साहब, अरे कोई समझाइए इनको, टप्पू के पापा जरा कहिए। कितने शर्म की बात है, एक शिक्षक को जेल जाना पड़ेगा। ए भाई ए, हम लोग भी जेल जाएंगे तो वो भी गर्व की नहीं, शर्म की बात है। हाँ यार पीड़ू। हाँ बराबर है। तो मेहता साहब कुछ कीजिए अभी। अभी इसमें मैं क्या कर सकता हूँ जेठालाल, कानून के आगे हम सब लोग मजबूर हैं। पहले गरबा आंदोलन, अभी जेल भरो आंदोलन। नहीं भाई ये तो गलत है ना, ये तो ये पुलिस की दादागिरी है, ये तो वही बात हो गई, उल्टा चोर कोटवाल को डांटे। क्या कह रहे हो जेठालाल, ध्यान से देखो, वो कोतवाल साहब है और हमें डांट रहे हैं। मेरा मतलब है उल्टा कोटवाल चोर को बचा के हमको डांटे। सेठ जी, हम दोनों जेल में जाएंगे तो दुकान कौन संभालेगा? ये इंस्पेक्टर साहब। अरे खड़े क्या हो, चलो बैठो सब। चलो 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 भाई सब लोग चलो। क्या परेशान हो गए, परेशान किया हमको। पापा पापा मैं जानती हूँ कि आप अच्छे पापा हो, प्लीज पापा आप इन सबको बता दीजिए कि आप चीटिंग नहीं करते। प्लीज पापा आप टीवी पर भी बता दीजिए कि आप कभी भी झूठ नहीं बोलते। मेरे पापा कभी भी झूठ नहीं बोलते। प्लीज पापा आप इन सबको बता दीजिए कि आपने चीटिंग नहीं किया। प्लीज पापा आप कुछ बोलिए, आप बेस्ट पापा हो। पापा आपको मेरी कसम, नहीं बेटा अपनी कसम मत दे, तेरे पापा बेस्ट पापा नहीं है बेटा। मैंने इन लोग के साथ चीटिंग की है बेटा। मैं इंस्पेक्टर साहब गलती मेरी है, मैंने इन लोग के साथ चीटिंग की है। प्लीज इनके छोड़ दीजिए। अगर ये गलती पहले ही मान लेते तो इतना बड़ा हंगामा ना होता ना। देखिए मुझे माफ कर दीजिए, मैं कबूल करता हूं कि मैं
मैंने आप लोग से चीटिंग की है। आपको डिफेक्टिव साड़ी दी, आपको बिल भी ना दिया। मेरी गलती की सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। मैं आपके पैसे भी वापस लौटा दूंगा। अब लोग रहे हैं सत्यवान भाई। खरच देर आया दुरुस्त है। इंस्पेक्टर साहब इन्हें छोड़ दीजिए। चलो इस बार छोड़ देता हूँ तुम लोगों को। चलो। अरे एक मिनट दया। अरे इंस्पेक्टर साहब मैं क्या बोल रहा हूँ। टपू सेना तुम लोग भी आ जाओ अंदर। हम लोग को जरा गोकुलधाम सोसाइटी छोड़ दो ना। चलो बाहर निकलो। खामो का 10 रिक्शा करनी पड़ेगी इंस्पेक्टर साहब। पर जेठा ब्रा हम लोग तो जीप में आए यार। अरे तुम लोग जीप में जाओ। चलो हम लोग इसी में आते बराबर ना बबी जाए। अरे चलो वैन से बाहर निकलो कमान। रिक्शा समझा के एक मिनट पकड़िए लड्डू आप भी रखिए ना। दो मिनट पकड़िए ना मैं आता हूँ ना नीचे। बस दया भाभी हमारा गरबा आंदोलन सफल हो गया। अभिनंदन। लेकिन एक बात याद रहे कि आइंदा कभी भी न्याय पाने के लिए आप कानून नहीं तोड़ेंगे। और दूसरी बात जब भी कोई माल खरीदे उसका पक्का बिल ले। पक्का बिल देना ये बेचने वाले का फर्ज है और पक्का बिल लेना ये माल खरीदने वाले का हक और उसका फर्ज भी है। सही कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब। इसमें आपका तो फायदा है ही लेकिन इसके साथ साथ इस टैक्स से जो इनकम होती है उसका सारा खर्च हम पर और देश की प्रगति पर किया जाता है याद रहे। और ये बात देश के हर नागरिक को समझनी चाहिए इंस्पेक्टर साहब। सच कह रहे हो मेहता साहब। सही कहा आपने। देश की प्रगति में ही हमारी प्रगति है। आइंदा ध्यान रखना। चलिए चलिए आप मेरे साथ चलिए। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब। माना कि उन्होंने हमारे साथ चीटिंग की पर अब उन्होंने अपनी गलती मान ली है तो हम उनके खिलाफ कोई कंप्लेन दर्ज करवाना नहीं चाहते। आप भी प्लीज उन्हें माफ कर दीजिए ना। कानून को मजाक समझ के रखा है क्या। इस बार छोड़ देता हूँ आइंदा ध्यान रहे। चलो ऑल द चलो। बैठे आप। अच्छा आइए आइए चले चले। हुआ मुसीबत टल गई। बाकी मेहता साहब वरना एक बार तो उस गाड़ी में बैठ के लग रहा था कि अब जेल में ही उतरेंगे जाके। लेकिन आप लोगों को बधाई देनी चाहिए। भाई खास तौर पे सलाम करना चाहता हूँ आप लोगों को। आज आप लोगों ने प्रूव कर दिया कि आप अगर कुछ करने की ठान लें तो फिर करके दिखाती है। थैंक यू। भाई गरबा आंदोलन क्या सोच है आपकी। हम लोगों के तो दिमाग में नहीं आ सकता था कि किसी आदमी को ऐसे भी ठीक किया जा सकता। आज की नारी ने यह साबित कर दिया है कि वो सिर्फ घर की चार दीवारी में बैठ के मर्द की सेवा करने के लिए नहीं है
अगर वो चाहे तो बाहर निकल के पूरे परिश्रम के साथ जो मकाम चाहे वो हासिल कर सकती है। अगर आप चाहें तो आप अंतरिक्ष में पहुंच सकती हैं कल्पना चावला की तरह। आप हमारी माननीय राष्ट्रपति की तरह एक देश की प्रधान बन सकती हैं। भाई आप लोगों ने साबित कर दिया नारी किसी मामले में भी पुरुष से कम नहीं है। और मैं तो कहता हूँ पुरुष से आगे है। बिल्कुल। वाह 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 क्या बात है। वेरी गुड वेरी गुड। और आज हमने एक बात और जान ली कि आदमी कितना ही अपराधी क्यों न हो कितना ही झूठ क्यों न बोले लेकिन अपने परिवार और बच्चों के सामने झूठ नहीं बोल सकता। नारी शक्ति जिंदाबाद। नारी शक्ति जिंदाबाद। ओ आज तो नारी शक्ति की जीत का बहुत बड़ा दिन है। इस मौके पे कुछ खास जश्न तो होना ही चाहिए। पापा इस जीत को मनाने के लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। हाँ बोल क्या है? गरबा खेलेंगे। ये दया अरे इतना गरबा खेल का तो थके नहीं अभी और गरबा खेलना है तुझे। अरे जेठालाल दया भाभी के पाँव का दर्द अभी तक बढ़ा नहीं और जो गरबा से थक जाए वो दया गड़ा रही। क्या बात है। हेलो तो देखा दर्शकों आप लोगों ने कि किस तरह से गोकुलधाम सोसाइटी की सभी महिलाओं ने किया था ये गरबा आंदोलन और अंत में हुआ क्या सत्य की जीत। इन सबसे हमें एक खास संदेश मिलता है और वो संदेश ये है कि अगर हम अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएं तो हमारी जीत जरूर होगी। हमें एक बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि अगर हम अपने हक की डिमांड रखते हैं तो हमें अपने कर्तव्यों को हमेशा दिमाग में रखना चाहिए। आप कहीं मत जाइए देखते रहिए मैं हूँ रीटा रिपोर्टर कल तक से और शामिल होने जा रही हूँ गोकुलधाम सोसाइटी की खुशियों में। धन्यवाद। थैंक यू। अरे फोन मैं उठा लूंगी। आपने पानी दिया बस बहुत हो गया। और कितनी सेवा करोगे आप? अभी फोन उठा रही था उठा घंटी बज रही है कब से। अरे हाँ ले रही हूँ। हेलो। अरे माय डियर मैना कैसी हो? अरे सुंदर मैं अच्छी हूँ। अरे बहुत बहुत बधाई हो। अरे तुम्हारा ये गरबा आंदोलन सफल हो गया ये जान के पूरी अपनी बोल झूम उठी है। अरे यहाँ तो फटाके फूट रहे। ओहो फटाके क्या बात करते हो? अरे बेना वहाँ तो इतनी खुश हो गई है इतनी खुश हो गई है कि बात ही मत कर। अच्छा और कहाँ है वो अपने माय डियर जीजाजी? जीजाजी को फोन दो। सुंदर आपसे बात करना चाहता है। नहीं पर मैं बात नहीं करना चाहता। अरे हमारा गरबा आंदोलन सफल हुआ ना उसकी खुशी में पूरे अहमदाबाद के लोग फटाके फोड़ रहे हैं। क्या बात कर रही है? हेलो कैसे हो माय डियर जीजाजी? मजे में भाई बोल फटाका फूटा। आवाज सुनी फटाके की है कान में गूंज रहे हैं ना फटाके। ये है अहमदाबाद का पानी माय डियर जीजाजी। बिल्कुल बिल्कुल भाई अहमदाबाद की तो बात ही निराली है। चलो मैं एक काम करता हूँ बहना को बधाई देने के लिए मैं वही मुंबई आ जाता हूँ। बस अभी की फ्लाइट में निकलता हूँ चलो। अच्छा हेलो 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 फटाके की इतनी आवाज आ रही है ना पीछे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है तो बोल रहा बाद में फोन करेगा। अच्छा बीड़ा बीड़ा
वाह वाह दया वाह, अरे आज तो तूने हाहाकार मचा दिया है। क्या कहूँ क्या तुझे, गरबा क्वीन या आंदोलन करे क्रांतिवीर? नहीं नहीं मुझे सब कुछ मत कहिए, अगर आपको ठीक लगे तो दया रानी कहिए। ओह मेरी दया रानी। नहीं लेकिन सच में तुम औरतों ने यह गरबा आंदोलन करके सिर्फ साड़ी वाले को नहीं सबको एक सीख दी कि चाहे कुछ भी हो जाए हर हाल में अन्याय का सामना लड़ना ही चाहिए। थैंक यू, लेकिन मैंने आज आपको दुकान से आने के लिए कहा तो आपने आने से मना क्यों कर दिया? अरे तभी दुकान में पार्टी के साथ एक बहुत बड़ी डील की बातचीत चल रही थी, अभी वो छोड़ के अचानक कैसे आता? और वैसे भी नहीं आया वो तो अच्छा ही हुआ ना। क्यों? तुम अपनी लड़ाई खुद लड़ सके। अरे मैं लेता हूं। हेलो, हाँ ये दया गड़ा का घर है, मैं उसका पति बोल रहा हूँ, तुम कौन बोल रहे हो? अच्छा हाँ तो अच्छा, ओहो एक मिनट भाई, कोई सुशील भाई करके भाई है, उसकी बीवी उसको छोड़ के मायके चली गई है, तो वो अपने ससुराल वालों के सामने तुमसे गरबा आंदोलन करवाना चाहता है। अच्छा एक मिनट में लेती हूँ। क्या है ये सब, मुझे नहीं पता। हेलो, हाँ दया गड़ा बोल रही हूँ, देखिए मैंने आपके केस के बारे में सुना, मेरा ऐसा मानना है कि सबको अपनी लड़ाई खुद लड़नी चाहिए। हाँ तो आप खुद गरबा आंदोलन कीजिए। नहीं 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 ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि आप चूड़ीदार कुर्ता पहन के ही गरबा करें, आप पैंट शर्ट पहन के भी गरबा कर सकते हैं। क्यों क्या? ओहो दया तू तो रातों रात ये आंदोलन स्टार बन गई। नहीं नहीं मैं कोई स्टार बन रही हूँ, मैं तो सीधी सादी गृहिणी हूँ, और अभी ये गृहिणी का खाना बनाने का टाइम हो गया है, तो आप जरा बताएंगे कि आपको क्या खाना है? बोलो, इतना गरबा खेल कर आई फिर भी अपना पत्नी धर्म हंस कर निभा रही है, तो मुझे भी अपना पति धर्म निभाना चाहिए। अरे इतना क्या सोच रहे हैं, क्या खाना है? आज तू खाना नहीं बनाएगी। अरे क्यों? अरे भाई तुम सारी औरतें आज गरबा कर करके थक गई हो, तो तुम में से कोई घर पे खाना नहीं बनाएगा। आज गोकुलधाम सोसाइटी के कंपाउंड में हम सब साथ में मिलकर खाने का प्रोग्राम करते हैं। लेकिन हम कोई खाना नहीं बनाएंगे तो खाना आएगा कहाँ से? बाहर से। अरे मैं अभी मेहता साहब छोड़ी भिड़े सबको फोन करके बोल देता हूँ, और एक डेढ़ घंटे में नीचे कंपाउंड में खाने के महफिल जमा देता हूँ। अरे वाह तो तुम बचा जाएगा। थैंक यू। सारी बहनें आप वहीं बैठी रहिए और आराम कीजिए, सारे पतियों से निवेदन है कि आप आइए और पाव भाजी हमारी बहनों को सर्व कीजिए। आइए आइए भाजी लो मजे से खाओ, ईद पे अपनी खुशियां मनाओ, पाव भाजी लो मजे से खाओ, ईद पे अपनी खुशियां मनाओ। हाँ भाई ला बेला, मुझे दो डबल बटर पाव भाजी। हाँ दो भाई दो, थोड़ा बटर डालना इसमें।
लीजिए लीजिए, थोड़ा और बटर डालो भैया। भाई थोड़ा बराबर से बटर डालो ना, बटर दिख नहीं रहा है। पिघल गया इसके लिए दिख नहीं रहा है। तुम बटर डालो ना भैया। पापा जी मुझे खाना है कि तुमको खाना है? तुम्हारा तो बॉडी बना हुआ है, मुझे अभी तुम्हारे जैसा बॉडी बनाने का है। ज्यादा बात नहीं करने का, पापा जी बनाओ। सब लोग साथ में बैठ के खा पी रहे हैं, कितना मजा आ रहा है। और जेठा फ्लाक, खाने के साथ पीने का भी मजा कुछ और ही है यार। अरे पानी वहाँ पे रखा है ना, थोड़ी पी ले ना। ओ हाँ चाचा जी, मैं भी पानी पीने की बात कर रहा था। भाई सुनो सुनो दोस्तों, खाने के बाद सबके लिए आइसक्रीम भी रखा है।